हेलो एवरीवन आज हम बात करने जा रहे हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन दैट इज सैम ओके तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माल न्यूट्रिशन क्या होता है माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी एक्सेस एंड इंबैलेंस इन अ पर्सनस इनटेक ऑफ एनर्जी अब ये अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है अंडर न्यूट्रिशन के अंदर कुछ क्लिनिकल सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि मैरासम क्वाश्योरकोर ओके ये दोनों सैम के साथ एसोसिएटेड होता है अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सैम कब बोलेंगे तो सैम के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं अगर इन तीन क्राइटेरियाज़ में एक भी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि चाइल्ड इज हैविंग सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अब ये कौन कौन सा है फर्स्ट इज द सीवियर वेस्टिंग जिसको हम देखेंगे वेट फॉर हाइट के थ्रू अगर ये माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है तो मतलब सैम है चाइल्ड को इसके अलावा मिड अपर आर्म सर्कम अगर एलेवन पॉइंट फाइव से कम है और अंडर वेट चाइल्ड विद बायलेट्रल एडिमा और इडिमा शुड बी नॉन इन्फ्लोमेट्री हम इस बायलेट्रल एडिमा को चेक करेंगे ओवर द डोर सो मूव फुट अब अगर हमारे पास बच्चा सैम की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है तो उसके बाद हम असेस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस कैन बी पुअर एपिटाइट कोई मेडिकल कॉम्प्लीकेशंस हो सकती है या फिर डेंजर साइन हो सकता है जैसे कन्वल्सन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन में बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है हाइपोथर्मिया हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी डिहाइड्रेशन एंड डायरिया अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि जो सैम है दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड सैम एंड इफ नन ऑफ द अबव इज प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन्स में से तो हम बोलेंगे कि अनकॉम्प्लिकेटेड सैम है हमने ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया है बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड सैम के अलग अलग ट्रीटमेंट होता है सो so, सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड सैम मेनली ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट होता है इसमें हमें मेन जो स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ द न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन हमें हाई एनर्जी फूड प्रोवाइड करना है चाइल्ड को कितनी कैलोरीज होनी चाहिए पर डे वन सेवेंटी फाइव किलो कैलोरी पर के जी प्रोवाइड करनी है उसके साथ साथ प्रोटीन देना है फोर टू सिक्स ग्राम पर के जी पर डे ओके okay? क्योंकि ये होम बेस्ट मैनेजमेंट है इसीलिए काउंसलिंग ऑफ द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके इसके अलावा एंटीबायोटिक चला सकते हैं हम लाइक एम्बोक्सीसिलिन फॉर फाइव डेज अगर विटामिन ए डेफिशियंट के साइंस हैं लाइक बाइटोटोट के रेटोमलेशिया तो विटामिन ए देंगे बच्चे को उसके अलावा अगर दो साल से बड़ा बच्चा है तो फोर हंड्रेड एम जी देनी है फॉर द डीवॉर्मिंग देन अगर बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो एज़ पर एन आई एस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमें वैक्सीनेट करना है बच्चे को देन रेगुलर मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड सेम की कॉम्प्लिकेटेड सेम में हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए बच्चे को फॉर अराउंड सिक्स वीक्स ओके तो हमारा ट्रीटमेंट जो है दो फेज में रन करता है फर्स्ट इज़ द स्टेबलाइजेशन फेज जिसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है टू ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस और ये एक वीक के अराउंड होता है देन वी स्विच ओवर टू द रिहेबिलिटेशन फेज ये हमारा टू टू सिक्स वीक के लिए होता है और इसमें हम बच्चे को रिबिल्ड करते हैं जो भी मसल वेस्टिंग प्रेजेंट है बच्चे में हम उसको रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं सो so, सबसे पहले बात करते हैं स्टेबलाइजेशन फेज़ की ओके सो स्टेबलाइजेशन फेज़ में पहली जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दैट कैन बी हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है दैट इज़ बिलो फिफ्टी फोर एम जी पर डे सिलीटर नाव अगर मेजर नहीं कर पा रहे हैं हम तो हमें मान के चलना है कि पेशेंट इज़ हाइपोग्लाइसिमिक एंड वी नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ना वी नीड टू सी कि ए सिम्टोमेटिक है पेशेंट या सिम्टोमैटिक है सिम्टोमेटिक लाइक पेशेंट लिथार्जिक है अनकॉन्शियस है और कन्वर्जेंस है सो so, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के नब ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली देना है हमें अगर एसिम्टोमेटिक है तो हमें टेन परसेंट ग्लूकोज फिफ्टी एम देनी है ऑरली और ओरली नहीं ले पा रहा है बच्चा तो हमें निज़ोगेस्टिक फीडिंग करना करानी ओके देन सिम्टोमेटिक में हमें देना है आई वी टेन परसेंट डेक्सट्रोज का फाइव एम एल पर के जी ऑफ टेन परसेंट डेक्सट्रोज आई वी फॉलोड बाय फिफ्टी एम एल ऑफ़ टेन परसेंट डेक्सट्रोज बाय एनजी ट्यूब ओके okay? तो पहले आई वी देना है देन एन जी ट्यूब या फिर ऑर्डल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें ऑर्डली देना है देन हमारे पास हाइपोथर्मिया सो so, बच्चा हाई रिस्क पे होता है ऑफ द हाइपोथर्मिया क्यों बिकॉज ऑफ द फैट इंसुल्यूशन जो बच्चा है उसको हमारे पास फैट नहीं है तो वो बॉडी को इंसुलेट नहीं कर पा रहा ओके okay? उसके अलावा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया के रिस्क बढ़ जाते हैं तो हाइपोथर्मिया कब बोलेंगे जब एक्जिलरी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली रिवॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ वार्मर कन्वेक्टर और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट तो किसी के भी थ्रू हमें रिवॉर्मिंग करना है रैपिड कभी नहीं करना है रैपिड रिवॉर्मिंग को हमें अवॉइड करना है इसके अलावा हमें ध्यान रखना है बच्चे के सराउंडिंग का क्लोथ्स का दे ऑल शुड बी वॉम देन डिहाइड्रेशन अगर डिहाइड्रेशन है बच्चे को जिसको हम असिस करेंगे साइंस देख के जो भी हमारे पास होता है लॉस ऑफ द स्किन इलास्टिसिटी लॉस ऑफ टर्वर ओके यूरन आउटपुट टीयर्स इन सारी चीज़ों को देख के हमने बच्चे को डायग्नोज करा डिहाइड्रेशन के लिए देन अगर सम और सीवियर डिहाइड्रेशन विदाउट शॉक तो हम ओ आर एस देंगे ओ आर एस कैसे करें कैसे देंगे वन सेशे इन टू लीटर ऑफ एच टू नॉर्मली हम वन लीटर में देते हैं यहाँ हम टू लीटर ऑफ वाटर में देंगे उसके साथ एडिशनली हम पोटेशियम और ग्लूकोज ऐड करेंगे देन वी नीड टू करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस मोस्ट कॉमनली पोटेशियम और मैग्नीशियम डिक्रीज होते हैं सो वी नीड टू गिव दीज इलेक्ट्रोलाइट्स ओके देन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट के लिए जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेरेंट्रल एंटीबायोटिक देनी है सो वी शुड गिव एम्पीसिल विथ जेंटामिसिन ना माइक्रोन्यूट्रियन डेफिशिएंसी फर्स्ट विटामिन ए विटामिन ए देना है कैसे देंगे हम अगर सिक्स मंथ से छोटा चाइल्ड है तो हम फिफ्टी थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट देते हैं छः से बारह मंथ के बीच में है तो वन लैख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए और अगर एक साल से बड़ा है तो हम टू लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे ओके okay? सो so, इसके अकॉर्डिंगली हमें विटामिन ए देना है देन इसके अलावा हमें फॉलिक एसिड देना है डे वन पे फाइव एम जी देन वन एम जी पर डे जिंक देना है टू टू थ्री एम जी पर के जी पर डे कॉपर पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री एम जी पर के जी पर डे अब हमने सारे माइक्रोन्यूट्रिय डेफिशियंसी को पूरा करा ये और ये जो भी चीज़ें अभी हम स्टेबलाइजेशन फ़ेज में देख रहे हैं हमें स्टार्ट कर देना स्टेबलाइजेशन में फेज़ में ओके okay? सो so, उसके बाद हमें इनिशिएट करना है फीडिंग कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करा देन एज़ सुन एज़ पॉसिबल हमें फीडिंग स्टार्ट कर देनी है क्योंकि फीडिंग स्टार्ट करने से मैक्सिमम जो भी कॉम्प्लीकेशन है वो हमारी वैसे ही ठीक हो जानी है सो फीडिंग स्टार्ट करेंगे डे वन पे विल स्टार्ट विद द एफ सेवेंटी फाइव दैट मीन सेवेंटी फ़ाइव किलो कैलोरी पर के जी पर डे सो सेवनटी फ़ाइव किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है हंड्रेड एम एल में जिसको हम देंगे सेवेंटी फ़ाइव किलो कैलोरी पर, केजी पर के जी पर डे के अकॉर्डिंग ओके प्रोटीन पॉइंट एट टू वन ग्राम पर के जी पर डे इसको धीरे धीरे हम कैलोरीज इनटेक को इंक्रीज़ करेंगे और डे सेवन तक सॉरी डे सेवन या स्टेबलाइजेशन फ़ेज क्योंकि वन वीक का होता है तो डे सेवन तक हमें इसको हंड्रेड किलो कैलोरी पर के पर डे और प्रोटीन्स को टू टू थ्री ग्राम कर देना है देन वी कम टू द रिहेबिलिटेशन फ़ेज़ रिहेबलीटेशन फ़ेज़ में हमें क्या करना है जो भी माइक्रोन्यूट्रंस चल रहे थे वो सारे हमें कंटिन्यू करने हैं उसके साथ हमें ओरल आयरन ऐड करना है ओरल आयरन हमें ध्यान रखना है कभी भी स्टेबलाइजेशन फ़ेज़ में नहीं देना कितना देना है रिहेबलीटेशन में थ्री एम पर के पर डे ओके उसके अलावा हमें क्योंकि अभी रिबिल्ड करना है बॉडी को हमें कैचअप uh, ग्रोथ को अटेन करना है तो हमें फीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो इनिशिएट तो हमने यहाँ से की थी सेवेंटी फाइव और हम डे सेवन तक यहाँ आ गए थे तो मैक्सिमम कैलोरीज जो हमें रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ में अचीव uh, करनी है दैट शुड बी वन सेवेंटी फाइव टू टू हंड्रेड किलो कैलोरी पर के पर डे और प्रोटीन फोर टू सिक्स ग्राम पर के जी पर डे सो दिस शुड भी द मैक्सिमम कैलोरीज जो हमें देनी है रिहेबलीटेशन फेज़ में एंड औरल आयरन एंड विद कंटिन्यू द माइक्रोन्यूट्री सप्लीमेंटेशन थैंक यू सो मच